इंडियन रेड स्नेक जिसे हम धामण सांप बोलते हैं, नॉन वेनमस, बिना जहर वाला। कहते हैं लोग, दोस्तों वैसे इसमें कोई जहर नहीं है। कभी भी ये सांप काट ले तो घबराए नहीं, निश्चित होके अस्पताल जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रेमचंद्र चावरिया और आज का रेस्क्यू है दरिवा माइस राजपुरा। तो दोस्तों यहाँ इस पाइप के अंदर एक सांप है, तो इसे जल्दी जल्दी रेस्क्यू करते हैं। बने रहे मेरे साथ, यहाँ लगा दो उसने। लंबो भी होता है वो, उन्हें बोलो दिखा दे लंबो वो। अच्छा पाइप ना हटाओ ना, टूट जा ना पहले तो लगे जा लेगा। काटो पकड़ जो मोटा की पाइप है। पे लंबो हाँ पे कौन लंबो और पाँच और डंग बोलियो। इंडियन रेड स्नेक जिसे हम धामण सांप बोलते हैं, नॉन वेनमस, बिना जहर वाला। इस सांप में कोई जहर नहीं होता है, बिना जहर वाला। अब आधे घंटे में भाग कर दिया, इसे हम ले जाएंगे पर्यावरण के लिए कहीं दूर रिलीज करने के लिए। है तो बहुत मजबूत है, मजबूत है। देखो दोस्तों, इंडियन रेड स्नेक इस सांप को मैं यहाँ रिलीज करने वाला हूँ। दोस्तों इस सांप का रेस्क्यू मैंने राजपुरा दरिवा माइंस से किया है, तो इसे पर्यावरण के लिए हम यही रिलीज करना चाहते हैं। तो दोस्तों बिना जहर वाला है, इस सांप में कोई जहर नहीं होता है, तो इसे पर्यावरण के लिए हम यही रिलीज कर देते हैं। दोस्तों देख पा रहे हो आप, ये एक इंडियन रेड स्नेक है जिसे हम धामण सांप बोलते हैं। दोस्तों बिना जहर वाला है, इसमें कोई जहर नहीं होता है। दोस्तों अक्सर इसकी लंबाई जो होती है वो 11 से 12 फीट तक लंबे होते हैं ये सांप। दोस्तों इनमें बहुत सारी ताकत होती है, बहुत खतरनाक होते हैं ये सांप, मतलब स्पीड बहुत तेज होती है इनकी। दोस्तों वैसे ये सांप कभी काट ले तो मरता नहीं है इंसान, और हमारे भारत में बहुत कम है जानकारी वाले लोगों को पता नहीं होता है कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा बिना जहर वाला। इसीलिए लोग ज़्यादा अंधविश्वास में रहते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा मर जाते हैं, ज़्यादातर हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं लोग।
दोस्तों वैसे इसमें कोई जहर नहीं है, कभी भी ये सांप काट ले तो घबराए नहीं, निश्चित होकर अस्पताल जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो दोस्तों इस सांप को मैं पर्यावरण के लिए यहीं रिलीज करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।